और जो हमारे वोटर्स जो आकर के स्वयं आके मिलते हैं कि हम वोट डाल के आए हैं, वो भी चेहरा उनका मुस्कुराहट वाला ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो टारगेट हमारा हरियाणा में 10 की 10 सीटें हम जीते, भले वो 30 साल के हो लेकिन उनका कोई अनुभव नहीं है और जिस प्रकार के वो आपराधिक रिकॉर्ड उनका बना हुआ है उसमें जनता जान चुकी है कि उनको वोट देने का कोई लाभ नहीं है। केवल वही नहीं, कुल मिलाकर के पार्टी के प्रति भी जो लोगों का मुझे मोह भंग हुआ है उसके कारण से पार्टी को कोई पसंद नहीं कर रहा है और कैंडिडेट को भी कोई पसंद नहीं कर रहा है। कांग्रेस को वोट डालने का मतलब ये है कि वहाँ असमंजस की जो स्थिति है और कोई निश्चितता नहीं है, अनिश्चितता की स्थिति को जनता भाग चुकी है, इसलिए जनता नहीं जाने वाली। देश में आज चुनाव का छठा चरण है और मतदान किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस लोकतंत्र के महापर्व में सभी अपनी आहुति डालने के लिए जा रहे हैं, अपने वोट देने जा रहे हैं। करनाल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सबसे पहला वोट जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डाला है, उनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले आज वोट जो है आज सुबह करके आए हैं, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ कि मैं सवेरे 6:30 बजे ही मतदान केंद्र पर पहुँच गया था। 7 बजे मैंने पहला वोट अपना डाला है और उसके बाद मैं लगातार विधानसभाओं के अलग अलग बूथों पर जा रहा हूँ। 12 या 13 बूथों पर मैं जा चुका हूँ और सब बूथों पर बहुत एक उत्साह है और लाइनें लगी हुई हैं। फिर भी मौसम थोड़ा गर्मी का हो रहा है तो मैं अपील करूंगा सभी वोटर्स से कि घर से निकल करके जल्दी से जल्दी वोट डालने के लिए जरूर आए। सर, केंद्रों का आपने दौरा किया, मतदान केंद्र आप जाकर के आए, तो किस तरह का माहौल आपको वहां पर लग रहा है? सर, दूर मैं अपने चाहे बीजेपी के जो हमारे टेबल लगे हैं, बूथ जहाँ हैं, वहाँ पर कार्यकर्ताओं के चेहरे भी खिले हुए हैं और जो हमारे वोटर्स जो आकर के स्वयं आके मिलते हैं कि हम वोट डाल के आए हैं, वो भी चेहरा उनका मुस्कुराहट वाला ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो टारगेट हमारा हरियाणा में 10 की 10 सीटें हम जीतेंगे। किस तरह से देखते हैं, करनाल जो है इस बार सबसे अहम रहने वाला है क्योंकि एक तरफ लोकसभा चुनाव है और दूसरी तरफ विधानसभा का चुनाव है, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत वर्षों के बाद मुझे लगता है दोनों चुनाव यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं और दोनों चुनाव में ही भारतीय जनता पार्टी की वोटर संख्या बहुत महत्व रखती है और सब लोग वोट डाल रहे हैं और मैं स्वयं आज 2 वोट डाल करके आया हूँ, एक विधानसभा का, एक लोकसभा का, तो सभी तरफ बहुत उत्साह बना हुआ है। ये भी देखना आपको कितना चुनौतीपूर्ण लगता है क्योंकि आप करनाल से हैं, यहाँ से आप पहले भी विधानसभा क्षेत्र से रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं, पर इस बार जो आपके सामने अपोजिट पार्टी से खड़े हुए हैं वो महज 30 साल के हैं। नहीं, भले वो 30 साल के हो लेकिन उनका कोई अनुभव नहीं है और जिस प्रकार के वो आपराधिक रिकॉर्ड उनका बना हुआ है उसमें जनता जान चुकी है कि उनको वोट देने का कोई लाभ नहीं है। केवल वही नहीं, कुल मिलाकर के पार्टी के प्रति भी जो लोगों का मुझे मोह भंग हुआ है उसके कारण से पार्टी को कोई पसंद नहीं कर रहा है और कैंडिडेट को भी कोई पसंद नहीं कर रहा है। आज हरियाणा में 10 सीटों को लेकर के चुनाव है, बाकी जगह पर किस तरह के समीकरण देखते हैं? 10 सीटों का जो हरियाणा में चुनाव, मैंने बताया कि सब तरफ के समाचार आ रहे हैं, प्रत्यक्ष करनाल तो मैं देख ही रहा हूँ, बाकी जगह भी इसी प्रकार का उत्साह है और हमारा जो टारगेट 10 की 10 सीटों का जीतने का वो पूरा होने वाला है। लोगों ने कांग्रेस से मुंह मोड़ लिया है, उनको मालूम है कि कांग्रेस को वोट डालने का मतलब ये है कि वहाँ असमंजस की जो स्थिति है और कोई निश्चितता नहीं है, तो अनिश्चितता की स्थिति को जनता भाग चुकी है, इसलिए जनता नहीं जाने वाली होगी। इंडिया गठबंधन भी इस बार इसमें भाग ले रहा है, तो उसे किस तरह से देखते हैं? कोई आम आदमी पार्टी का किसी प्रकार का कोई आधार नहीं है और कुरुक्षेत्र की लोकसभा सीट जो है हमारे नवीन जिंदा अच्छे मतों से जीतने वाले हैं। राम राम जी, राम राम। रस्ते में लोग जो हैं वो मिलने आ रहे हैं, आशीर्वाद भी दे रहे हैं। दे दिया आशीर्वाद? दिया आपने? दे दिया। हमारी बुजुर्ग माता जी हैं, देखो आशीर्वाद देने के लिए आई है और धूप में निकल के आई है। बिल्कुल धूप में निकल के। सर, आखिरी सवाल आपसे, वोट डाला है आपने? अब जाएंगे। सर, आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगी कि इतनी गर्मी में आप भी जो है बूथों का लगातार दौरा कर रहे हैं, अभी तक के जो रुझान सामने आए हैं, तकरीबन 9.5% चुनाव जो अभी तक मतदान जो है वो करनाल में हो पाया है, इतनी गर्मी में लोग निकल नहीं रहे हैं, आंकड़ा ठीक नहीं है? अभी मैं सब जगह अंदर जाकर मैं स्वयं पूछता हूँ, पहला मेरा प्रश्न यही होता है, बहुत बूथों पर 150-200 तक भी वोट डल चुके हैं, अगर 1000 वोट भी हम माने तो ये 17-18% वोट बन जाता है, तो 17-18% 20% इस समय तक का 2.5 घंटे मात्र हुए हैं, एक अच्छी परसेंटेज है। और अब जो है लोग प्रातःकाल कहीं थोड़ा 7 बजे ढिलाई भी होती है तो बाद में पीक पर आ गए हैं और लोग वोट डाल रहे हैं। अपील करेंगे सर वोट की? मैं कह रहा हूँ कि सभी लोगों को वोट डालना चाहिए, प्रजातंत्र की जीत है, उसमें लोकतंत्र जीतता जब वोट ज़्यादा होते हैं, भारतीय जनता पार्टी उसमें से जीतेगी जो भारतीय जनता पार्टी को वोट ज़्यादा मिलेंगे, हमको दोनों जीत चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री और साथ ही करनाल से लोकसभा
के प्रत्याशी मनोहर लाल, जिन्होंने आज जो है पहले सबसे पहले वोट डाला है अपना और उसके बाद लगातार मतदान केंद्रों का और साथ ही साथ बूथों का दौरा किया है। और इसके बाद आप इनकी ऊर्जा देखिए कि किस तरह से लगातार इतनी सुबह जो है यहाँ से निकले हुए हैं, साथ साथ जगह जगह का दौरा कर रहे हैं। और इनका साफ तौर पर कहना है कि वोटिंग जो है सुबह ज़रूर थोड़ी ढीली हो सकती है, पर उसके बाद लगातार ये खुद जा करके पूछेंगे कि कितनी वोटिंग अभी तक हो पाई है। और इनको पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से करनाल से इस बार दो सीटों का चुनाव यानी कि लोकसभा और विधानसभा का होना है वो पूर्णतः भाजपा के हक में जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम के साथ लिविंग इंडिया के लिए करनाल से हरसिमरत।